एवरीवन, मैं हूँ निक्की और स्वागत है आपका निक्की किचन में। तो आज हम बनाएंगे मीठी इमली की चटनी और आप इसे समोसे, कचौरी, दही वड़े, ढोकले या फिर गुपचुप और चाट में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम इमली ले लिया है, जिसे 2 घंटे के लिए मैंने ठंडे पानी में भिगो लिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे गर्म पानी में भी भिगो के इसे जल्दी से बना सकते हैं। और अब हम इसका पल्प तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पल्प बिल्कुल तैयार है। आप चाहे इसे तो मिक्सी में भी ग्राइंड करके इसे फिर छान सकते हैं, तो फिर ये हमारा पल्प रेडी हो जाएगा। अब हम लेंगे 1 कप जैगरी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून फेनल पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून मस्कमेलन सीड्स। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस जैगरी के प्लेस पे आप इसे कम्प्लीटली शुगर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पैन ले लिया है और अब हम इसमें इस पल्प को डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें गुड़ को भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे और मस्कमेलन सीड को हम लास्ट में डालेंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसमें मस्कमेलन सीड भी डाल देंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और आप इसे टेस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अगर आपको जो चीज लगे कि हम इसे और मीठा करना है या जो भी, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मीठी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। और आप इसे 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।